औरंगाबाद के राजेपुर विकासखंड के गांव तुसोर में उसर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा है। माना जाता है कि मंदिर का मुगल काल से पहले का है, क्योंकि मुगल काल से पहले की अष्टकोण के शिव मंदिर बनाए जाते थे। पूरे जिले में सैकड़ों अष्टकोण शिव मंदिर थे, लेकिन उपेक्षा का शिकार होने के कारण खंडहर हो गए। तुसोर के रहने वालों का मानना है कि वर्षों पहले इस मंदिर पर स्वामी ब्रह्मानंद बाबा रहते थे। उनको सपने में भगवान शिव के दर्शन दिए। जब स्वामी जी ने मंदिर बनाने की उनसे अनुमति मांगी तो मना कर दिया। तब उन्होंने काफी समय तक भगवान शिव की आराधना की और तब मंदिर बनाने की आज्ञा मिली। उन्होंने संवत 2009 में खंडहर चबूतरे पर मंदिर बनवाया था। मान्यता है कि यहाँ आने वाला भक्त कभी निराश नहीं जाता है। सूरज दीक्षित बताया कि एक बार मुगल सेना ने शिवलिंग को कई बार यहाँ से ले जाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए तो सेना की कमांडर ने शिवलिंग पर गोलियां चला दी, जिसके निशान अभी भी शिवलिंग पर दिखाई देते हैं। इस मंदिर में करीब 200 बीघा जमीन है। उसी को पाने के लिए समाज के कुछ लोभियों ने स्वामी जी की हत्या कर दी थी। उनकी माने तो पूरे देश में अष्टकोण के मंदिर बनाने वाले कारीगर नहीं है जो मंदिर में उस समय जैसी चित्रकला का प्रदर्शन कर सके। मंदिर के ऊपर सोने की चिड़िया लगी हुई थी, जिसे चोरों ने चुरा लिया। मंदिर के अंदर सोने व चांदी के मुकुट व छत्र भी लगे हुए थे, यह भी चोरी चले गए। वर्तमान समय में बाबा रामगिरी और बाबा मधुसूदन दास यहाँ पुजारी के रूप में काम करते हैं। सावन के सोमवार को यहाँ दूर दराज से भक्तगण शिवलिंग पर जलाभिषेक करने आते हैं। मुख्यालय से इस गांव की दूरी 14 किलोमीटर है, लेकिन रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए टैक्सी और बस से आसानी से पहुँचा जा सकता है। वही बस स्टैंड से 13 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से भी पहुँचा जा सकता है। मंदिर भोले बाबा को जाइया जमीन से निकले भोले बाबा, बड़े लोग ने कोशिश करी निकरीबे कि ना ही निकरी पाए। इनकी अच्छी खोई इनने ही अपने स्थान जमाई लो भोले बाबा। भगवान भोलेनाथ का सच्चा दरबार है। यहाँ पे जो भी आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, आप जो भी मन से इनका आराधन करोगे तो आपका काम स्वयं भोलेनाथ की कृपा से बन जाता है। इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े दूर से यात्री यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर की क्या इतिहास है, क्या मानता है? इस मंदिर का यही इतिहास है, यहाँ तक जो भी मंदिर बनते हैं यहाँ भोले बाबा की जब बारात निकलती हो तो इस मंदिर तक जरूर आती है, तभी स्थापना उनकी सिद्ध होती है। इनके बहुत साल इनको अंग्रेज लोग ले जा रहे थे अपने देश में, तो जब नहीं गए क्या समझे तब इनके गोली मारी, ठीक है, गोली आज भी लगी हमारे सामने, इतने इतने घाये थे इनके, और आप लोग बहुत कम रह गए पूरी के घाव, ठीक, गोली मारी जब नहीं गए तब इनने क्या काम करो उन लोगों को हैजा दर्द चालू कर दो, जिसे बोलते हैं कागरा, उसे छोड़ के भाग गए। क्या इतिहास? इतिहास जो है महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण करो तो जो मंदिर तोड़ो, सोमनाथ मंदिर जिसने तोड़ो, यहाँ के लूट करके रही गो, जो ये जो मूर्ति है जो रही कोशिश करके जो मूर्ति गई ना गिरी गिरी पड़ी। फिर क्या किया? फिर बाद में लोग छोड़ी चले, गोली डाली उसके बाद छोड़ी चले गए। तब से चबूतरा पर शिवलिंग स्थापित रहो, ब्रह्मानंद ने ऐसे मंदिर को फिर से बनवाओ। इतिहास जी है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम जगवीर। क्या इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है? इतिहास तो बढ़िया रहो, जब से मतलब जो यहाँ जो शिवलिंग मतलब जिमनाए ले जाए था लोग, तब मतलब जो है तब फिर यहाँ उन्होंने गोली भी चलाई, और गोली चलाने के बाद तब जो है तब इन्हें आके वो शिवलिंग क्यों ले जाना चाहते थे, क्या वजह? भाई इसीलिए ले जाना चाहते हैं कि आके मतलब जो है कि इनके सब काम यही करते हैं, इसलिए ले जाना चाहते थे। और अरे और को तब तो मंदिर बनाया ही गया, और यहाँ तो गए ही ना, तब तो बनिए भी नहीं, एक स्वामी ब्रह्मानंद आए थे उनने जो बनवाया मंदिर। आपका? हमारा बीना दीक्षित। कहाँ से आई हैं? खंडौली से। यहाँ मंदिर पे आने की क्या खास वजह है? ये वजह है हमें आने से शांति मिलती है, ये लगता है भगवान सच्चे हैं, आत्मा को शांति मिलती है, तो कोई जो मांगते वो मिलता है। हम तो खूब भोले बाबा बड़े पौने किशनपाल। किशनपाल जी, इस मंदिर का क्या इतिहास है? इतिहास हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा स्थान था यहाँ पर, और मतलब काफ़ी विशेषताएं थी यहाँ की स्थान की, तो ये अंग्रेजों ने सोचा कि क्या विशेषता है शिवलिंग की, इसको हम ले जाएँ यहाँ से, अपने यहाँ ले जाने के लिए कुछ विशेषता होगी, तभी तो इतना ये लोग पूछते हैं। ऊसर था यहाँ पे, कुछ था ही नहीं, आज यहाँ सब कुछ है, उनकी कृपा से ही सब कुछ है।
तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने मतलब जो प्रयास किया ले जाने का बहुत बड़ा, नहीं जब ले जा पाए, लादा उनको उठाया, सब कुछ किया और नहीं ले जा पाए तो उन्होंने गोलियाँ चलाईं। गोलियाँ की आज तक उसमें शंकर जी पर निशान बने हुए हैं। हमारे बुजुर्ग लोग भी बताते हैं, वो आँखी से भी